उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला अस्पताल में आए दिन लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका पूरा वाक्य आपको बताते हैं। पीलीभीत के जिला अस्पताल में मरीजों को एक्सपायरी दवा और इंजेक्शन लगाकर उनकी जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें, जब ये सनसनीखेज मामला सामने आया तो मरीजों के परिजनों में खासा रोष देखने को मिला। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही कहा कि डॉक्टर मरीजों को अस्पताल से ले जाने के लिए दबाव बनाकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने की नसीहत देते हैं। इस मामले को लेकर सीएमओ से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और चुप्पी साध ली। मरीजों की जिंदगी के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर प्रशासन आखिर कब जागरूक होगी और इस मामले पर कब कार्रवाई होगी? क्या हुआ था? टीबी का बीमारी है। आपको मालूम? सांस को ज्यादा दिक्कत है इनको। अच्छा, जो इंजेक्शन लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, क्या मालूम, क्या सुना आपने? मतलब जो एक्सपायर है। तो किसी से बात नहीं की हमने? हमने कुछ नहीं किया। अभी बात नहीं हुई? अभी किसी से बात नहीं हुई। कहाँ पर भर्ती कराए अपने मरीज को आपने? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपके एक आरोप है कि वार्ड नंबर 5 से आपने मरीजों को हटाया जिन्होंने कल एक्सपायरी इंजेक्शन की कंप्लेंट की थी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं जी। मेरी जहाँ तक है, मैंने शाम को जब राउंड लिया 7 बजे, मेरी जानकारी में ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो किसी को एक्सपायरी डेट पर लगा। ठीक है डॉक्टर साहब, वहाँ से है। दूसरी चीज है, हमारा तो धर्म इलाज करना हो, हम किसी मरीज को क्यों फड़काएंगे जी? जब हम अपने हाथ से मैनेज करते हैं, आप शाम के राउंड की बात कर रहे, जो मरीज सीरियसता में अपने हाथ से ऑक्सीजन लगा के गया हूँ, नेबुलाइज करा के गया हूँ, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है, मरीज को ये जरूर बताते हैं भाई तुम्हारा मरीज सीरियस है, इसकी रेफर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो है इलाज कर सकते हैं, किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि आदमी जो है मृत्यु नहीं होगी। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा था आपने कल 7 बजे राउंड लिया था जी जी, लेकिन एक वारदात है शाम के 7:30 बजे के बाद जो एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन पाए गए हैं मरीजों को। हाँ, वही बात बताओ जी। जो 7:30 बजे के बाद है, मैं 7 बजे राउंड लेके गया हूँ, उसके बाद कहाँ इंजेक्शन कैसे रहा वो मुझे नहीं मालूम है। मेरी जहाँ तक के फाइल में ऑर्डर्स है, वो सही तरीके से इंजेक्शन लग रहे हैं, कोई एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन नहीं। आपके जो ड्यूटी पे थे उस दिन कल शाम को, उन्होंने खुद ही बताया कि इंजेक्शन एक्सपायरी है? नहीं, जो 2018 तक के एक्सपायर पड़े हुए थे वहाँ पे, वो भी यूज हो रहा है। वो इंजेक्शन अगर फाइल में ऑर्डर होंगे तभी तो, हमारी फाइल में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। नहीं तो फिर वो इंजेक्शन कैसे आ गए? देखिए, कुछ मरीज जो होते हैं बाहर से इलाज करा के ला रहे हैं, रेफर होके गए हैं, हो सकता है वो इंजेक्शन झोले में रखे और लगवाए ही ना हो, और वो इंजेक्शन नहीं। चलिए चलिए, हमने आपकी बात मानी, लेकिन आपके जो ड्यूटी वार्ड है उसमें भी इंजेक्शन पाए गए हैं एक्सपायरी डेट? जो ड्यूटी वार्ड है उसके अंदर इंजेक्शन पाए गए। वार्ड में जो इंजेक्शन दवाइयों का रख रखा वो सिस्टर इंचार्ज जानती है, कौन एक्सपायर नहीं है वो डिस्कार्ड नहीं होते हैं, हटाए भी हो जाते हैं। इंचार्ज साहब का नाम क्या है? हैं, इंचार्ज साहब का नाम क्या है? नहीं, इंचार्ज रात में तो देखिए, जो सिस्टर ऑन ड्यूटी उसका तो मुझे नहीं मालूम है। वार्ड में जो 5 नंबर जिसकी बात कर रहे हैं मेल मेडिकल वार्ड की, उसमें आपकी निशा अग्रवाल जी है इंचार्ज, ठीक है। मगर मेरी यहाँ जानकारी है, मैं तो खुद इंजेक्शन, एक बात बताइए, जब मैं खुद इंजेक्शन चेक करके कर दवाई लगा रहा हूँ, मैं कैसे लगा दूँ एक्सपायर डेट? और 7:30 बजे तो मैं था नहीं, मतलब 8 बजे 7 बजे राउंड लेकर चला गया। 25 नंबर जो आत्माराम मरीज है सांस का, उसको मैं खुद नेबुलाइज करा के गया हूँ इमरजेंसी से मशीन लेकर, और चाहता पूछ लीजिएगा, मैं जहाँ भी जाऊँ आपके साथ। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।